भारतीय टीम एशिया कप के लिए दुबई पहुंच चुकी है और टीम इंडिया ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी और साथ ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट को देखकर लग रहा है कि विराट कोहली को टीम इंडिया के ही पूर्व कप्तान की काफ़ी याद आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि एशिया कप यूएई में खेला जा रहा है, इसको लेकर तमाम टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और सभी टीमों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। 27 अगस्त को पहला मुकाबला खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। बहरहाल लौटे अगर विराट कोहली के पोस्ट की ओर, तो विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक पोस्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली पिछले कुछ महीनों से फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं और ऐसे में तमाम सवाल विराट कोहली की फॉर्म को लेकर खड़े हो चुके हैं और अब विराट कोहली ने एक पोस्ट को साझा करते हुए महेंद्र सिंह धोनी को भी याद कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक तस्वीर को साझा किया। इस फोटो में महेंद्र सिंह धोनी का 7 नंबर वाली जर्सी दिखाई दे रही है और साथ ही विराट कोहली बल्ले को उठाते हुए यानी कि हाफ सेंचुरी की खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट की बात करें तो विराट कोहली ने इस पोस्ट में इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि इस व्यक्ति का मेरे ऊपर विश्वास मुझे काफ़ी मजबूत बनाता है। मैंने अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही सबसे मज़ेदार पल इसी व्यक्ति की कप्तानी में जिया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टनरशिप हमेशा साथ रहेगी। वहीं उन्होंने बाद में लिखा कि 7+18 यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी और साथ ही विराट कोहली की जर्सी। आपको बता दें कि इस पोस्ट के बाद तमाम तरीके के कमेंट लगातार फैंस कर रहे हैं और साथ ही ये पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विराट कोहली ने लिखा कि हमारी साझेदारी हमेशा मेरे लिए खास रहेगी और साथ ही इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए उन्होंने फोटो शेयर की, तब फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में विराट कोहली ने डेब्यू किया था। साल 2014 तक महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान रहे, तब तक विराट कोहली काफ़ी रन बना चुके थे। इसके बाद अचानक ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद विराट कोहली को टीम इंडिया की टेस्ट टीम की कप्तानी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि इसके 2 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी ने लिमिटेड ओवर्स की भी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और विराट कोहली टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनाए गए। विराट कोहली की बात करें तो टेस्ट में उन्होंने भारतीय टीम को काफ़ी जीत दिलाई। इसके अलावा विदेशी धरतियों पर भी विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने खासा कमाल किया। विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान माने जाते हैं। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 68 मुकाबलों में से 40 मैच जीते थे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 60 मुकाबलों में से 27 में जीत मिली थी। और ऐसे में बात करें अगर विराट कोहली की, तो पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में खेली और इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का मेंटोर भी बनाया गया था। हालांकि टीम इस वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। विराट कोहली की फॉर्म की बात करें तो एशिया कप 2022 विराट कोहली के भविष्य को तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिग्गजों का कहना है कि एशिया कप 2022 में अगर विराट कोहली की फॉर्म चिंता बनकर उभरती रहेगी तो कुछ यंगस्टर जो टीम इंडिया का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं उन्हें वर्ल्ड कप और साथ ही तमाम अन्य सीरीज़ में मौका दिया जा सकता है। बहरहाल विराट कोहली से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। जो उनके शुभचिंतक हैं उनका कहना है कि विराट कोहली एशिया कप 2022 में एक दमदार वापसी करने जा रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है विराट कोहली के इस पोस्ट को लेकर, उनकी फॉर्म को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार।